तो देखो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो, ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि ब्लॉक कैप्टन इंक्लाइन प्लेन, ये इंक्लिनेशन 45 डिग्री पहले से दिया हुआ, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये एंगल पहले से ही 45 मेंशन है, दिस इज एंगल 45 डिग्री। अब ये कहते हैं इफ़ द फोर्स रिक्वायर्ड टू पुश अप द इंक्लाइंड प्लेन, मतलब पुश ऊपर, इसको मैं ये चाह रहा हूँ, मैं मेरी इच्छा ये है कि मैं इसको ऊपर धक्का दे के यहाँ कर दूँ, मैं ये चाह रहा हूँ। ठीक है, बात आ रहा समझ में? तो अगर मैं ऊपर जब धक्का देंगे तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा ना, अगर आप इसको ऊपर फोर्स कराओ तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा, पहला केस। तो मैं इसको जब ऊपर खींचने में जो है ऑब्वियसली ज़्यादा फोर्स लगेगा, 2 टाइम्स है, देन द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग। अब ये जो है स्टेटमेंट जो 2 है, ये वाला जो स्टेटमेंट है, फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग, मतलब इस ब्लॉक को मैं रोकना चाहता हूँ। अगर यहाँ स्मूथ सरफेस होता भाई तो ये ब्लॉक नीचे आ जाता ना, ऐसे आ रहा समझ में? अगर ये स्मूथ सरफेस होता तो ये ब्लॉक नीचे आ जाता। तो क्यों नीचे आ जाता? क्योंकि इस पर mg sin θ लग रहा, और उसकी वजह से मुझे इसको रोकना, जस्ट प्रिवेंट करना है। तो उस केस में, जस्ट प्रिवेंट के केस में, इस पे जो फ्रिक्शन है वो कहाँ लगेगा भाई? जस्ट जस्ट इसको प्रिवेंटिंग के केस में इस पे फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। ठीक है, तो कितना फोर्स मतलब मैं लगाऊं, तो जस्ट प्रिवेंटिंग फ्रॉम स्लाइडिंग, तो ये फोर्स। आई होप कि ये दोनों सिचुएशन आपको समझ में आ गया होगा। अब ये दोनों सिचुएशन समझ में आ गया तो दोनों सिचुएशन को अलग अलग हैंडल करते हैं। तो पहले केस में मैं क्या करता हूँ, पहले केस में फोर्स रिक्वायर्ड टू पुश द अपवार्ड, तो सबसे पहले मैं अपवार्ड पुश करने का कंडीशन सॉल्व करता हूँ। तो जब मैं इस, ये इंक्लाइंड प्लेन है, और इस इंक्लाइंड प्लेन पे अगर कोई ब्लॉक है, और ये कहते हैं कि मान लेते हैं इस पे जो फोर्स है वो एफ फोर्स है, ये वाला एफ, तो F1 फोर्स है, इसको जस्ट ऊपर जाने वाला मेरे भाई, इसके बाद लगा दोगे तो ऊपर चला ही जाएगा। ठीक है, तो ये, और इसके ये एंगल अगर 45 है, थीटा 45 है, तो इस पे जस्ट ऊपर जाने वाला है, तो फ्रिक्शन तो नीचे लगेगा ना, और mg का एक कंपोनेंट भी इधर लगेगा जिसका नाम होगा mg sin 45, और नॉर्मल इस पे ऊपर लगेगा, और ये है अपना mg cos 45। बात समझ में आ रहा है? अगर तुम फोर्स इससे ज़्यादा लगाए तो ये एक्सलेट कर जाएगा ऊपर, उस केस में एक्सलेशन जनरेट हो जाएगा। अभी जस्ट ऊपर जाने वाला है, तो इस केस में मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट केस में कि F1 मस्ट बी इक्वल टू फ्रिक्शन प्लस mg sin 45। तो mg sin 45, तो फ्रिक्शन की वैल्यू मैं बड़े आराम से लिख सकता हूँ भाई, फ्रिक्शन μN दैट इज प्लस mg sin 45। ठीक है, और यहाँ से फ्रिक्शन की वैल्यू, नॉर्मल की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? नॉर्मल आ जाएगी mg cos 45। तो ये mg cos 45 नॉर्मल आ जाएगा, और प्लस ये आ जाएगा mg sin 45। अब यहाँ से एक काम करो, mg कॉमन ले लो, तो यहाँ से जब मैं mg कॉमन ले लेता हूँ, √2 भी कॉमन ले लेता हूँ, तो μ+1 दैट इज फोर्स F1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये मिनिमम मतलब ये कहो कि ये मैक्सिमम, ये मिनिमम फोर्स है जस्ट ऊपर जाने के लिए। ठीक है, चलो अब इसकी स्लाइडिंग मुझे रोकना है, फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग। तो ये दूसरे केस को अगर मैं सॉल्व करूँ, तो दूसरे केस में ये जो ब्लॉक है वो नीचे आना चाहता है। अगर मैं इस दूसरे केस का डायग्राम बनाऊँ, तो ये जो ब्लॉक है और ये ब्लॉक बच्चों नीचे आना चाहता है, इधर आने की इसकी इच्छा है। क्यों आएगा? क्योंकि इधर लग रहा है mg sin 45, तो ये एंगल 45 है। तो अगर ये नीचे आना चाहता है तो मुझे इसको रोकना है, तो रोकने के लिए फोर्स किधर अप्लाई करना पड़ेगा? इधर। तो इधर मैं फोर्स F2 लगाता हूँ। देखो अगर मैं F2 mg sin 45 के बराबर लगा दूंगा तो नेट फोर्स उस पर 0 आ जाएगा, समझ रहे हो ना? और कोई उसमें कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन अगर यहाँ रुका हुआ है तो mg sin 45 को फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा होगा इधर ऊपर की डायरेक्शन में, समझ रहे? तो mg sin 45 को फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा हो, लेकिन
मुझे इसको रोकने है, ये नीचे आने की टेंडेंसी है, तो नीचे आने की टेंडेंसी है तो उस टेंडेंसी को मुझे स्टॉप करना है बच्चों। तो उस टेंडेंसी को मुझे स्टॉप करने के लिए थोड़ा सा वीडियो पॉज देके थोड़ा सा सोचो, तो उस केस में फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। नहीं आया समझ में? अरे भाई ये आना चाहता, ये नीचे आना चाहता है, दिस ब्लॉक इज वांट टू कम डाउनवर्ड। तो अगर ये ब्लॉक नीचे आना चाहता है तो फ्रिक्शन तो ऊपर लगेगा ना, समझ रहे हो? नॉर्मल इस पर ऊपर लगेगा और mg का एक कंपोनेंट mg cos 45 इधर लगेगा। तो यहाँ से मैं अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ केस टू को, तो केस टू में अगर तुम देखोगे केस टू का सलूशन, तो F2 प्लस फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू mg sin 45। तो अगर मैं यहाँ से रखूँगा तो F2 की वैल्यू आ जाएगी mg sin 45 और माइनस फ्रिक्शन म्यू mg cos 45, फ्रिक्शन की वैल्यू मेरे भाई। तो यहाँ से mg by root 2 कॉमन आ गया और यह आ जाएगा 1 माइनस म्यू, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से तुम देखोगे तो ये जो फोर्स है वो F2 है। इसका मतलब कंडीशन क्या दिया हुआ है कि अब F1 ज़्यादा होगा, होना भी चाहिए मेरे भाई। तो F1 is greater than F2, भाई ऊपर ले जाने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए और F1 is 2 times F2, तो F1 जो है F2 का 2 गुना होगा। तो अगर तुम देखोगे F1 की वैल्यू ऊपर निकाले हो mg by root 2 और म्यू प्लस 1 इज इक्वल टू mg by root 2 यहाँ से और 1 माइनस म्यू, तो कुल मिला के तुम देखोगे तो ये यहाँ से इसमें 2 से मल्टीप्लाई भी हुआ है, तो यहाँ से ये ख़त्म हो गया। तो अगर तुम देखोगे तो म्यू प्लस 1 और 1 माइनस 3 टाइम्स माइनस 3 म्यू, मतलब ये आ जाएगा, यहाँ से तुम देखोगे तो आ जाएगा 4 times μ इज इक्वल टू 2, तो म्यू इज इक्वल टू 2/4, मतलब ये आ जाएगा 1/2। तो एक मिनट यहाँ से 1 minus μ mg 1 plus μ और ए 2 times mg root 1 minus μ, तो ये यहाँ से हल्का सा एक मिनट, ये जो है ये भाई 2 times है ना, अरे मिट जा सॉफ्टवेयर, हाँ मेरे बेटा क्या हो गया, 1 plus μ इधर रह गया और ये 2 minus 2 times μ आ गया, तो ये आ जाएगा 3μ और 1, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 1/3, दिस इज 1/3, तो म्यू इज इक्वल टू 1/3, मतलब म्यू की वैल्यू 0.10 में डिवाइड करोगे तो 3, 3, 3, तो ऐसे चलता चला जाएगा। तो म्यू इज इक्वल टू 0.3, इसका मतलब ये हुआ कौन सा ऑप्शन सही हुआ, मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।